बात करें अगली खबर की तो एक खबर हरिद्वार से है, जहां त्योहारों की वजह से फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। वही मंडी अध्यक्ष का महंगाई पर कहना है कि हर साल मुकाबले इस बार महंगाई थोड़ी ज्यादा है। होली के मौके पर संतरे, अंगूर, चीकू आदि फलों की ज्यादा डिमांड रहती है और रमजान के मौके पर छुआरा, सेब, पपीता की डिमांड ज्यादा रहती है। कुल मिलाकर सभी फलों के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हाँ, ये है कि पीछे कुछ जंगलों में रेट बढ़े हैं, कुछ सारे मंडियों में भी रेट बढ़ते हैं, लेकिन नवरात्र आगे होने की वजह से, खाली रमजान होने की वजह से उस तरह की ना तो सेल है और ना उस तरह की डिमांड है। मान लीजिए इस तरह का चल रहा है मामला मंडी के अंदर। नहीं तो प्रत्याशी के ऊपर है, कई प्रत्याशी जिनको चुनाव निशान मिलते हैं, सिंबल मिलते हैं, उस हिसाब से फ्रूट बांटते हैं गरीब जनता में, कुछ खाने पीने की चीज़ें बांटते हैं। अब अगर ध्यान उनका मंडी की तरफ हो गया, फ्रूट की तरफ रुझान हो गया, तो हो सकता है फ्रूट में तेजी आ जाए। नहीं, ये बड़ा चुनाव है जी, इसका सिंबल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये प्रत्याशी जैसे गांव देहात में जाते हैं, उस हिसाब से कोई केला बांटता है, कोई अपना अंगूर बांटता है, इस तरीके से हर प्रत्याशी वोटर को अपनी तरफ खिंचाव करने के लिए, रुझान के लिए उनको रुझाता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है।